हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के इज ग्लो जोन। और मैं हूं आपकी फ्रेंड ममता। दोस्तों, टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताने वाली हूं। अपनी स्किन को हेल्दी किस तरीके से आप रख सकते हैं, पिगमेंटेशन से, पिंपल से किस तरीके से आप निजात पा सकते हैं, और अपने स्किन को जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी आप किस तरीके से कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टिप। पहला टिप्स मेरा ये है कि कभी भी हमें अपने मेकअप को रिमूव किए बिना नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है ना, हम ऐसे ही सो जाते हैं और वो मेकअप इतना टाइम तक हमारे फेस पे रहने की वजह से पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। तो हमें मेकअप रिमूव करके ही सोना अब है। अब हम है मेकअप रिमूव किससे करते हैं? मेकअप रिमूव करने के लिए हमें कोई बड़े बड़े ब्रांड्स के क्रीम्स वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में हमारे कोकोनट ऑयल होता है, उससे बहुत अच्छा मेकअप रिमूव होता है। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू रिमूव योर मेकअप इजीली। तो फिलहाल मेरा जो कोकोनट ऑयल है वो जम गया है, तो मैं बेबी ऑयल ले रही हूँ। कोई भी बेबी ऑयल आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला बेबी ऑयल ले रही हूँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने ये बिंदी लगा रखी, तो मैं बिंदी हटा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आईज पे, जैसे मैंने ये आप देख सकते हैं इस पे लगा रखा है मैंने, तो आप इस पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा दीजिए। अपने लिप्स पे लगा लीजिए, बाकी आप पूरे फेस पे अपने लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ये मेकअप को रिमूव करने का। मैंने पूरे फेस को अपने अच्छे से रब कर लिया है। अब मैं एक पेपर की सहायता से, टिश्यू पेपर की सहायता से, मैं कोई भी वेट वाइप यूज यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वेट वाइप में क्या होता है, वो गीला होता है, उसकी वजह से फेस पे ही ऑयल रह जाता है। मुझे फेस अगर नहीं भी धोना है, तो मैं अगर इससे अपना फेस, ये देखिए कितना डस्ट आ रहा है इसमें, मेरा पूरा फेस का जितना भी मेकअप है मेरा इसमें अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा और मैं ले रही हूँ अपने आईज को क्लीन करने के लिए। ये देखिए वन टाइम में, ओ माय गॉड, एम जी, ये देखिए, ओ एम जी, ये देखिए, वन टाइम में इतना अच्छा ये आपको रिस्पांस देगा। ये देखिए मेरा सारा मेकअप मैंने इससे रिमूव कर लिया है, और मैं टिश्यू से पोंछ रही हूँ, इसकी वजह से ये मेरे फेस पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप देखेंगे बिल्कुल पूरा ड्राई हो जाएगा मेरा फेस। ठीक है, मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे अपनी लिपस्टिक भी हटानी है अभी। थोड़ा बहुत और रह गया है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए। मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, जो मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। उसको अच्छे से अपने फेस पे दोबारा लगाइए। ओ वाह, मुझे तो कोकोनट ऑयल, ये सॉरी एलोवेरा जेल वैसी बहुत पसंद है। सेकेंड टाइम में भी देखिए कितना आ रहा है। तो ये मैंने पूरा मेकअप अपना रिमूव कर लिया है विदाउट मेकअप धोए। कुछ मैंने धोया नहीं है फेस अपना। अब अगर मैं ऐसे भी सो जाती हूँ तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरे फेस से सारा मेकअप हट चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टिप की तरफ। दूसरा टिप्स मेरा ये है, हफ्ते में कम से कम आपको 2 टाइम्स स्क्रब जरूर करना चाहिए। क्या होता है, हमारे पोर्स में सारी गंदगी जम जाती है, जिससे हमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब करते हैं, तो आपको कभी भी ये व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स या पैचेस वगैरह की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो उसके लिए भी हम एट होम रेमेडी अपनाएंगे। तो क्या करना है हमें, हमें लेनी है थोड़ी सी कॉफ़ी। कॉफ़ी आप 1 रुपए वाला पाउच जो आता है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप वो ला सकते हैं। जैसे मैं ले रही हूँ अभी, ये मेरा पैकेट खुल भी नहीं रहा, तो अब मैंने ले ली है इसमें कॉफ़ी। फिर इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी चीनी, एंड मैं ले रही हूँ इसमें थोड़ा सा शहद। कम 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 कम, ओके फाइन, उतना ही लेना है जिससे कंसिस्टेंसी बन जाए, बस दैट्स इट। हमारे फेस पे रब होने जितना हमें मिल जाए। एक्चुअली क्या होता है ना, जो कॉफी होती है इसमें व्हाइटनिंग एजेंट भी होते हैं। कॉफी में एक तो व्हाइटनिंग एजेंट होते हैं, और दूसरा हमारा जो ये चीनी लगा रहे हैं, इससे हमारा जो स्क्रब में पार्टिकल्स होते हैं उनका काम ये कर लेता है, जो ग्रैनुअल्स होते हैं
इसका काम ही चीनी कर लेती है। ये देखिए स्क्रबिंग, ओ माय गॉड, जेंटली करना है, हार्ड नहीं, हार्श अपना स्किन को नहीं करना है, रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही जेंटली करना है क्योंकि ग्रैनुअल्स थोड़े से मोटे हैं तो इसलिए। वाओ, जहां जहां आपके ब्लैकहेड ज्यादा है आप वहां पे थोड़ा सा ज्यादा रब कर सकते हैं। 5 to 7 minutes मुझे हो गए हैं इसको रब करते हुए, तो अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, देन मैं थर्ड स्टेप आपको बताती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है आफ्टर स्क्रबिंग, फ्रेशनेस फील हो रही है और स्किन बहुत सॉफ्ट मेरी हो गई है, अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुझे फील हो रहा है सब जगह। वाह, जानते हैं आप थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप क्या है? स्क्रबिंग के कारण क्या होता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और अगर हम उन पोर्स को क्लोज किए बिना मेकअप कर लेंगे तो फिर क्या होगा, मेकअप वापस से हमारे स्किन के अंदर जाएगा और पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हमें अपने पोर्स को क्लोज करना ज़रूरी है, वो भी हम घर की ही रेमेडी से करेंगे। बेसन ले रही हूँ 1 चम्मच, अ पिंच ऑफ हल्दी का ले रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा मात्रा में, और ले रही हूँ 1 चम्मच दही। दही आप एक और 1-1.5 चम्मच ले सकते हैं, जितना कंसिस्टेंसी हो, मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं और आपको गले वगैरह पे भी लगाना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बेसन भी ले सकते हैं, बट मुझे सिर्फ फेस पे लगाना है तो मैं ज़्यादा नहीं वो कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वाओ, हल्दी क्या करती है, हल्दी आपके फेस पे निखार लाने का काम करती है, और दही में वैसे भी वाइटनिंग एजेंट होते हैं, और बेसन तो फेस के लिए आप जानते ही हैं बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसे ऐसे लगा लेती हूँ हाथों से, अपने रब करते हुए पूरे फेस पे लगाना है और इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है, सब जगह अच्छे से लगाना है। कितना ठंडा ठंडा लग रहा है पता है? वाह, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद नॉर्मल वाटर से, टैप वाटर से मैं इसको धो दूंगी। दस मिनट तक सुखाना है कम से कम। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इस पैक को धो के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना निखार। अब मैंने फेस वॉश कर लिया है, वाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं तो, मुझे तो ऐसा लगता है स्किन भी सांस लेती है इस टाइम पे जब आप फेस को अच्छे से रब करके क्लीन करते हैं। तो वाह, बस अब मैं लगा लेती हूँ इसमें एलोवेरा जेल। छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर आप करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। ओके, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए रही यूजफुल तो मेरे इस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। बाय।